कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी राकेश उर्फ हनुमान पांडे के एनकाउंटर के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि एनकाउंटर पिछले रविवार को लखनऊ में अंजाम दिया गया था। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में हनुमान पांडे मारा गया था। हालांकि मृतक के पिता का आरोप है कि पुलिस ने घर से उठाकर हनुमान पांडे का एनकाउंटर किया है। अब इस एनकाउंटर के बाद कथित तौर पर 15 साल पुराना एक ऑडियो वायरल हो रहा है। यूपी एसटीएफ चीफ ने हनुमान पांडे के एनकाउंटर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑडियो के पीछे की असली कहानी बताई थी। इस कहानी को जानने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस ऑडियो में आखिर कैसी बातचीत है। ऐसा आरोप है कि ये ऑडियो कथित तौर पर अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच हुई बातचीत का है। इसमें कृष्णानंद राय की चुटिया का जिक्र है। आपको बता दें कि कृष्णानंद राय एक बड़ी चुटिया रखते थे। जिस समय वो मोहम्मदाबाद से विधायक थे उस समय उनकी चुटिया उनका स्टाइल स्टेटमेंट समझी जाती थी। एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि दरअसल हत्या के बाद कृष्णानंद राय की चुटिया को हनुमान पांडे ने ही काटा था। आपको बता दें कि हनुमान पांडे पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी था। ऐसी ही हमारी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।